गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 उर्दू का सबक नंबर 14, जिसका नाम है सैयद मुश्ताक अली। ये एक क्रिकेटर है और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सैयद मुश्ताक अली हमारे मुल्क के मायानाज क्रिकेटर खिलाड़ी थे। उनकी पैदाइश इंदौर में 1914 ईस्वी में हुई। उनके वालिद होलकर स्टेट्स में मुलाजिम थे। बचपन ही से मुश्ताक अली ने क्रिकेट में अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए। 15 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद के क्रिकेट टूर्नामेंट में एक हैट्रिक ली और 65 रन बनाए तो सब लोग चौंक पड़े। इस तरह उनके लिए फर्स्ट क्लास मैच खेलने का दरवाज़ा खुल गया। तो आज का जो हमारा सबक है, ये हमारे इंडिया के क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के बारे में है कि उन्होंने किस तरह से क्रिकेट खेलना शुरू किया और कब किया। आगे है, मुश्ताक अली इंदौर की होलकर टीम की जानिब से रणजी ट्रॉफी मैचों में हिस्सा लेने लगे। कर्नल सी के नायडू इस ज़माने में होलकर टीम के कप्तान थे। मुश्ताक अली को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर खेलने का मौका मिला। मुख्तलिफ मकामात यानि अलग अलग जगहों पर खेलने का मौका मिला। वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते और बाएं हाथ से गेंद फेंकते या बॉलिंग करते। उनके खेलने का अंदाज दूसरों से अलग था। उनकी खुद अपनी एक अलग तकनीक थी। आगे बढ़कर खेलना, कदमों का तवाजुन बरकरार रखना और कलाई मोड़ते हुए गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा देना उनके खेल की खसूसियात थी, यानी ये उनकी स्पेशलिटी थी। अपने खेल में वो कभी घबराहट और दबाव का शिकार नहीं हुए। खतरा मोल लेकर खेलना उनकी फितरत थी। जल्द ही उन्होंने एक बुलंद हौसला बल्लेबाज की हैसियत से अपनी पहचान बना ली। अपने ख़ास अंदाज की वजह से वो आवाम में मकबूल हो गए, यानी फेमस हो गए। 19 साल की उम्र में टेस्ट मैच के लिए मुश्ताक अली का पहली बार इंतखाब हुआ। फिर 1936 में इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड का दौरा करने वाली टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया। यहीं लॉर्ड्स के मैदान में पहली बार खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी बनाई। ये उनके खेल का बेहतरीन दौर था। वो अपने पूरे फॉर्म में थे। मैनचेस्टर की दूसरी इंगेज में मुश्ताक अली और वी जे मर्चेंट ने मिलकर 135 मिनट में 192 रन बनाए तो अंग्रेज़ हैरत में पड़ गए। मुश्ताक अली 112 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी बल्लेबाजी देखकर एक अंग्रेज़ मुबस्सिर ने कहा, मुबस्सिर यानी देखने वाले ने कहा कि रणजी और दिलीप सिंह के देश में एक जादूगर बल्लेबाज आया है। हिंदुस्तान में वो अपने खेल की वजह से मकबूल ही थे। इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड में भी उनके फ़न के मुद्दा यानी उनके फ़न की तारीफ करने वाले पैदा हो गए। मुश्ताक अली के नज़दीक स्पोर्ट्स में स्पेट की बड़ी अहमियत थी। आखिर उम्र तक वो खिलाड़ियों को सही जज्बे के साथ खेलने की तलकीन करते रहे। इंग्लिस्तान में सुर्रे काउंटी के खिलाफ
ओवल मैदान में खेलते हुए उन्होंने खेल के जज्बे की शानदार मिसाल पेश की। इस मैच में वो स्लिप में खड़े थे, एक गेंद बल्लेबाज के बल्ले को छूती हुई उनके कुछ आगे की तरफ आई। गेंद के ज़मीन पर पड़ते ही उन्होंने लपक कर उसे उठा लिया। लोग समझे कि मैच पूरा हो गया। अंपायर ने उंगली उठा दी। मुश्ताक अली के ज़मीर ने यह गवारा नहीं किया और उन्होंने कहा कि मिस्टर अंपायर, कुछ सही नहीं हुआ है, मैंने गेंद ज़मीन से उठाई थी। मुश्ताक अली के इस कदम को बहुत सराहा गया। हिंदुस्तान के खेल का वक़ार बढ़ गया। क्रिकेट को शायद इसीलिए जेंटलमैन मेंस गेम कहते हैं। हिंदुस्तान की आवाम में मुश्ताक अली इतने मकबूल हो गए थे कि लोग ख़ास तौर पर उनका खेल देखने के लिए आने लगे। 1944 ईस्वी में बम्बई टीम के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने दोनों इनिंग्स में एक एक सेंचुरी बनाई। उनका खेल देखने के लिए मैदान तमाशाइयों यानी ऑडियंस से भरा पड़ा था। दूसरी इनिंग्स में उनके आउट होने पर मैदान खाली हो गया, हालांकि खेल जारी था। इसी तरह 1946 में कोलकाता में एक टेस्ट मैच के लिए उनका इंतखाब नहीं हुआ तो आवाम यानी जनता ने इजतिहाब किया यानी आंदोलन किया। उनका कहना था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं, नो मुश्ताक नो मैच। इस वक्त दिलीप सिंह सिलेक्टर थे। आवाम के इसरार पर उन्होंने मुश्ताक अली को खेल में शामिल कर लिया। मुश्ताक अली ने फर्स्ट क्लास मैचों में 12,660 रन बनाए, इनमें 30 सेंचुरियां भी शामिल है। दूसरी जंगे अजीम यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो सिर्फ 11 टेस्ट खेल सके, जिनमें उन्होंने 612 रन बनाए। मुश्ताक अली के किरदार की तारीफ हर एक ने की है। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खिलती रहती, खुश मिजाजी का उन्हें बड़ा शौक था। लंबे कद, खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। शाइस्ता, साफ गो, वजहदार और सच्चे इंसान थे। अपने कारनामों से उन्हें नाज ज़रूर था, मगर वो मगरूर नहीं थे। आवाम के इस चहेते खिलाड़ी ने हमेशा लोगों की खुशी और दिलचस्पी का ख्याल रखा। सच तो ये है कि क्रिकेट के खेल को आवाम के करीब लाने में उन्होंने एक नुमाया किरदार अदा किया। उनकी खिदमत के सिलसिले में हुकूमत हिंद ने 1964 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री का एजाज पेश किया। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने उन्हें हयाती रुकन बनाया। उन्हें वेस्टर्न अवार्ड और सी के नायडू अवार्ड पेश किया गया। 2006 में इस अजीम खिलाड़ी का इंतकाल हो गया। सो आई होप आपको आज का सबक सैयद मुश्ताक अली के बारे में हमने जो पढ़ा है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।